सो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि आशियाना अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आशियाना हमारा नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है। बहुत ही टाइम उन्होंने वेट किया, बट जैसे कि उनका प्लान था कि सिर्फ रेरा आने के बाद ही वो प्रॉपर्टी को लॉन्च करेंगे, उस पर डिटेल्स हमारे पास शेयर करेंगे। तो फाइनली उनका कल रेरा आ गया और अब उन्होंने हमारे साथ जो डिटेल शेयर किया उसके अकॉर्डिंगली हम आपके साथ भी शेयर करना चाह रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कितने एकड़ की प्रॉपर्टी होगी, क्या प्राइसिंग है, क्या लेआउट है, क्या साइजेस हैं। लेआउट मैं नहीं दिखा पाया हूँ, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं साइट मैप दिखाने वाला हूँ और साथ में इस प्रॉपर्टी का लेआउट भी, जो टाइप है 3 BHK के, 4 BHK के, वो आए हैं, वो भी इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अमारा का है लेआउट, साइट प्लान है। वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ 22 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर पूरा लेआउट उन्होंने दिखा रखा है कि फाइनली वो जो प्रॉपर्टी है 5 फेसिस में जाके किस तरह से डेवलप करेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। 21 टावर्स हैं। अब आपको यहाँ दो तरह के टावर दिखेंगे, आप अगर इसको ढंग से देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, ये है जी 60 मीटर वाइड रोड है, 60 मीटर यहाँ पर वाइड रोड रहने वाला है। यहाँ से इस प्रोजेक्ट की एंट्री है, ये यहाँ इस प्रोजेक्ट की एंट्री रहने वाली है। इस प्रोजेक्ट में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले एंट्री पे समझ लीजिए आप, ये एक सेक्शन है ये वाला, एक सेक्शन है ये वाला, ठीक है। उसके बीच से रोड जाती है, 24 मीटर रोड वाइड रोड रहने वाला है ये अप्रॉक्स। तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर प्राइमरी स्कूल और नर्सरी स्कूल रहने वाला है, और इस तरफ आपका कमर्शियल एरिया जो सोसाइटी शॉप्स रहती हैं, साथ में इसके ऊपर ही EWS डेवलप करेंगे। तो यहाँ से आपकी एंट्री होती है, जो सोसाइटी की एंट्री है वो यहाँ है, यानी कि मेन सिक्योरिटी यहाँ रहेगी, मेन एंट्री प्रॉपर्टी की यहाँ से होने वाली है। और यहाँ आपको अभी अंदर आप जाएंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ टावर्स हैं, जैसे ये वाले इधर पीछे भी बने हुए, ये कुछ ब्लर टावर्स हैं जहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, और कुछ टावर्स हैं ये वाले, 1, 2, 3 और ये 4। सो ये 4 टावर इन्होंने फर्स्ट फेज में लॉन्च किए हैं, और जितने भी ब्लर टावर्स हैं ये वाले ये अभी वो आने वाले फ्यूचर डेवलपमेंट है इनकी। दे हैव ऑलरेडी प्लान अबाउट इट कि वो 5 फेसिस में प्रॉपर्टी लॉन्च करेंगे, तो इसलिए वो अलग अलग फेसिस में आएंगी। अभी फर्स्ट फेज के अंदर वो जो प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हैं वो ये 4 टावर लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं जी। तो अब हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, ये जो 4 टावर है, एक ये है और एक ये है, ये 4 टावर हैं यहाँ पर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब ये देखिए यहाँ इन्होंने अलग अलग कलर आपको दिख रहे होंगे, कलर का मतलब क्या है ये देख लीजिए, इरीस है, आयरिस है, जो भी हम बोलते हैं इसको, 4 BHK के टावर्स हैं ये वाला, दिस इज़ द 4 BHK टावर। उसके बाद ग्रीन है जो कि ट्यूलिप है, उसके बाद ये 3 BHK विद 3 टॉयलेट का टावर है, उसके बाद जो पिंक कलर है दैट इज़ 3 BHK विद 2 टॉयलेट वाली प्रॉपर्टी है ये वाली। तो 2 टावर इन्होंने लॉन्च किए हैं 3 BHK विद 2 टॉयलेट वाले, 1 टावर 4 BHK विद 4 टॉयलेट और 1 टावर 3 BHK विद 3 टॉयलेट वाला, ठीक है। टोटल जो यूनिट्स वो लॉन्च कर रहे हैं वो है 224 यूनिट्स हैं, जिसमें कॉम्बो रहेगा, सारी यूनिट्स मिला के ये फर्स्ट फेज के अंदर प्रॉपर्टी को लॉन्च कर रहे हैं। अब क्या है स्पेसिफिकेशंस वो समझ लीजिए इस प्रॉपर्टी के साथ, जैसे स्पेसिफिकेशंस हैं हम एक बार उसके अंदर भी डिस्कशन कर चुके हैं, किड्स सेंट्रिक ये होम है। तो यहाँ देखिए जो कंपनी ने हमें ये डिटेल्स यहाँ मेंशन की है आप लोगों के लिए भी, कि कॉमन फैसिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट डेवलप फेज़ 1। अगर हम फेज़ 1 के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो फेज़ 1 के साथ जो डेवलपमेंट होगी फर्स्टली वो यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद है कि यहाँ दिखाया गया एंट्रेंस हमने देख ली कि हमारी एंट्रेंस कहाँ से होने वाली है। उसके बाद है गेट कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, वाटर कैसेट बनाए हुए हैं, क्लब कम्युनिटी, यानी कि फेज़ 1 ये वाला है जो आप बाउंड्री हो रखी है, ये आप देखेंगे येलो येलो से, ये जो बाउंड्री है ये दिस इज़ द फेज़ 1। तो ये क्लब है, ये वाला क्लब है, ये स्विमिंग पूल यहाँ दिख रहा है आपको, उसके अंदर स्विमिंग पूल दिया हुआ है और किड्स जोन दिया हुआ है, किड्स पूल। स्टेप प्लाजा 3 नंबर अगर आप देखेंगे ये वाला, यहाँ जो मार्क मैं कर रहा हूँ वो 3 नंबर है। उसके बाद कैनोपी सिटिंग है वो ये 4 नंबर पर है। उसके बाद है 5 नंबर पर किड्स जोन, जहाँ पर लर्निंग हब है, ये 5,000 स्क्वायर फीट की डेवलपमेंट वो करने वाले हैं, जिसमें 2 सेक्शन है, ए एंड बी, 2 स्टेप ए प्ले एरिया है ए के अंदर, 5A के अंदर, और ये वाला सेक्शन जो है और 5B के अंदर यहाँ पर है, करने वाले हैं 2 सेक्शन के अंदर। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिकेशन जो फ्यूचर में जाके डेवलप होंगी, जो फेज़ 2 फेज़ 3 के साथ लॉन्च करेंगे, आप ये देखेंगे 2B डेवलप विद फ्यूचर फेसिस, किड जोन दिया हुआ है, एम्पी थिएटर दी हुई है वहाँ पे, सैंड पिट दी हुई है,
ठीक है, वो डेवलप किया जाएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स विटनेस गेम एरिया टेनिस कोर्ट है, वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये दो टेनिस कोर्ट रहने वाले हैं। उसके बाद क्रिकेट पिच है, येस दिस इज़ द क्रिकेट पिच। उसके बाद है बास्केटबॉल कोर्ट है, 6C के सी में बास्केटबॉल कोर्ट दिया हुआ है, और दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट। उसके बाद है योगा लॉन दिया हुआ है, ऐसे करके स्पेसिफिकेशन जो है फिटनेस रिंक बनाया जाएगा फेज टू के अंदर। एडवेंचर एरिया एडवेंचरल प्ले बनाया गया है वहाँ पे, फॉरेस्ट थिक बनाया गया है। उसके बाद प्ले स्ट्रीट बनाई हुई है, स्टेप ग्रीन है, यानी कि ये इनका मेनली आप लगाइए कि ये वाला जो सेक्शन है वो पूरा फॉरेस्ट स्पोर्ट्स सॉरी माफ़ कीजिएगा स्पोर्ट्स जोन है इनका। प्ले स्ट्रीट रहने वाला है जिसके अंदर सेंट्रल फीचर्स ट्री रहेंगे, मेज रहेगा, किड्स प्ले एरिया रहेगा, रिबन सीटिंग रहेगा। सो मल्टीपल ये जो स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पढ़ सकते हैं वो यहाँ रहने वाली है। उसके बाद पार्किंग है, ये जो यहाँ पर जो वॉल रहेगी, जो आउटर वॉल रहती है उसके साथ साथ पार्किंग बनाई जाएगी। सीटिंग है, लॉन है, पैरागोल है, फ्लोर स्वीप है, डॉग एरिया है, सीटिंग विद पैरागोला है, ये काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर रहने वाली है। सो ये है इसका साइट मैप, अगेन 22 एकड़ की इनकी प्रॉपर्टी है जिसमें 21 टावर्स रहने वाले हैं। ग्राउंड प्लस 14 यानी कि स्टिल्ट प्लस 14 का इनका कॉन्सेप्ट है, कल भी हमने वीडियो में ये देखा था, स्टिल्ट प्लस 14 का रहने वाला है। कुछ एक लोकेशन के ऊपर बेसमेंट की फैसिलिटी मिलेगी, कुछ पे आप स्टिल्ट पे पार्किंग खड़ी कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से और ओपन एरिया के हिसाब से प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त है। 3 से 4 एरिया के अंदर ग्रीन पैच को डिवाइड किया गया है, अलग अलग लोकेशन पे अलग, क्योंकि सोसाइटी के अंदर 21 टावर है तो इसलिए एक जगह भीड़ भी ना हो तो इसलिए अलग अलग लोकेशन डेवलप की गई है। सो आइए देखते हैं एक बार इसके अंदर कि अब इनका लेआउट कैसा है, लेआउट एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सो ये है इसका ब्रोशर, ओपन द डोर टू एन अमेजिंग चाइल्डहुड अमारा बाई आशियाना सेक्टर 93 गुरुग्राम, फिर रेरा दिया हुआ है। यस दिस इज़ द लेआउट फॉर 4 BHK, इट इज 4 BHK विद 4 टॉयलेट। यहाँ पर हमारे पास मैं बता दूँ कि आपको कि दो लेआउट है 4 BHK के, जिसमें लेआउट दोनों सेम रहेंगे, बस जो फ़र्क है वो थोड़ा वो है एक मात्र छोटी सी बालकनी का। सो ये लेआउट एक बार देखते हैं, यहाँ आप एंट्री कर रहे हैं फ्लोर से, फ्लोर एरिया इज़ गुड 6.9 × 9। उसके बाद आप जाते हैं आपका गेस्ट रूम या फिर फर्स्ट रूम कह सकते हैं, सर पे ये है अप्रॉक्स 13.3 × 10, और उसके साथ वॉशरूम है। उसके बाद एरिया है बड़ी बैल्कनी का इसका एक्सेस है जिसको हम डेक एरिया बोलते हैं। तो डेक एरिया जो है बहुत सुंदर रहने वाला है, डेक एरिया का जो एक्सेस है वो ड्राइंग रूम से भी रहने वाला है और साथ में इस रूम से भी रहने वाला है। अगर आप यहाँ फ्लोर एरिया से ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है इसका ये है 23.4 × 13 का एरिया है, विच इज़ क्वाइट गुड, जहाँ आपका टीवी कैबिनेट भी इजी बन जाती है और ड्राइंग डाइनिंग दोनों आराम से सेटअप हो जाता है। तो ड्राइंग रूम के साथ जो है वो इसका डेक एरिया है विच इज़ वेरी गुड पार्ट, जिसमें एक कवर एरिया रहता है अपर साइड से और एक तरफ बालकनी से बालकनी की तरह ओपन है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी को 4 चांद लगाती है। प्रॉपर्टी मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की देते हैं, क्योंकि बैठने के लिए आप फैमिली के साथ वहाँ बैठ सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं, मील एंजॉय कर सकते हैं, सुबह शाम की आप चाय वहाँ पी सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। उसके बाद किचन इज़ वेरी गुड। किचन के साथ जो मुझे इसके अंदर सेक्शन अच्छा लगा है वो ये है, एक तो साइज़ बहुत ही प्यारा है इसका, 14 × 7.3 का इसका साइज़ है यहाँ तक, ठीक है, ये साइज़ इसका है 14 और ये वाला जो साइज़ है इसका दैट इज़ 7.3 फिट। ओके, और उसके बाद इसके साथ ही जो है एक ड्रॉयर एरिया है, पूजा रूम है, स्टोर रूम है आप कह सकते हैं। सो आप किचन से रिलेटेड जो स्टफ़ है वो वहाँ रख सकते हैं, अगर इनके पूजा का रूम बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। सो किचन के साथ ये एक एडिशनल एरिया आपको मिल जाता है। अब बात करें अंदर, एक रूम जो आपका सेकंड रूम रहने वाला है वो ये है, 10 × 11 का ये साइज़ है। वॉशरूम इसके अंदर अटैच है और एक बालकनी का भी एक्सेस है, इसी बालकनी का एक्सेस इधर मास्टर बेडरूम से भी है। मास्टर बेडरूम का साइज़ भी ठीक है, इट्स वेरी गुड, 14.8 का और 11.5 का साइज़ है इसका। साथ में ड्रेसर एरिया भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, टॉयलेट भी आपको यहाँ पे अटैच देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ एंड फाइनल रूम की, तो फोर्थ एंड फाइनल रूम इज़ अबाउट 11.5 फिट बाई
12 बाई 11 फिट, यानी कि 13 बाई 11.5 का आप रूम लगा लो। इसमें साथ में कैबिनेट बनाने का स्पेस भी आपको दिया हुआ है और साथ में एक बालकनी भी है इधर, और जो वॉशरूम है दैट इज़ कॉमन। तो टोटल वॉशरूम आ गए आपके इसमें एक एक और वॉशरूम 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 दो तीन और फोर्थ वॉशरूम आपको मिलेगा यहाँ पर मास्टर बेडरूम के साथ। सो टोटल 4 बेडरूम है इसके अंदर। लेआउट इज़ क्वाइट गुड। आपको बता दूँ 2175 स्क्वायर फीट का साइज़ है, जिसमें 1408 स्क्वायर फीट आपको कारपेट एरिया मिलता है और प्लस में 270 स्क्वायर फीट के आसपास इसमें आपको बालकनी एरिया भी मिल जाता है, विच इज़ 77% ऑफ सुपर एरिया, यानी कि बालकनी और कारपेट एरिया को कंप्लीट कर दूं। और 65% अगर मैं सिर्फ कारपेट एरिया की बात करूं तो दैट इज 65%। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता रहा था कि 4 BHK के दो लेआउट है, लेआउट नहीं है, सिर्फ ये कह सकते हो कि दो यूनिट्स हैं जिसमें एक यूनिट के अंदर एक फ्लोर पे रहेगी, एक दूसरी फ्लोर पे यूनिट रहने वाली है, तो डिज़ाइन का कुछ है, तो उसमें ये बालकनी नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो बड़ी बालकनी है कनेक्टेड आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाली बालकनी हो जाएगी मास्टर के साथ और ये वाली बालकनी हो जाएगी आपके सेकंड रूम के साथ, दैट्स इट। ये बीच में जॉइंट नहीं है, आप देखेंगे अब नेक्स्ट वाला, ये देखिए सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज़ सेम। आप ड्राइंग में आप यहाँ से एंट्री करते हैं, ये बिल्कुल सेम है, यहाँ डेक में चले गए उधर ड्राइंग डाइनिंग बिल्कुल सेम है, किचन इज़ वेरी सिमिलर, सब कुछ सेम है पीछे सब कुछ, बस ये जो आप ये देख रहे हैं ना पीछे बालकनी थी और यहाँ पे वो बालकनी नहीं है। अच्छा, ये इसमें ही सब लेआउट के साथ रहने वाला है, क्योंकि इनके जो इवन पे एक इवन फ्लोर जो है उस पे ये बालकनी वाला रहेगा, जो ऑड फ्लोर है उसमें बालकनी दो हो जाती है, ठीक है ना। सो यहाँ ये आ गए हम 3 BHK की प्रॉपर्टी विथ 3 टॉयलेट पर, विच इज़ 1850 स्क्वायर फीट, ठीक है। और इसका जो कारपेट एरिया है दैट इज़ 1205 स्क्वायर फीट का एरिया है, 216 स्क्वायर फीट की इसकी बालकनी है, अगेन दैट कम 77% ऑफ द सुपर एरिया, अगर आप इस पे ये वाला एरिया जोड़ते हैं कारपेट एरिया और साथ में बालकनी का, कारपेट एरिया 65% का है। लेआउट यहाँ भी आपको बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से देखने को मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं है लेआउट के अंदर, साइजेस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क देखने को आपको ज़रूर मिलेगा, पर यहाँ सिर्फ एक रूम चला गया है, यहाँ एक इस तरीके से रूम होता था और ये बालकनी भी यहाँ थोड़ी सी ऐसे बड़ी होती थी यहाँ पे इसका एक्सेस होता था। सो ये नहीं है, ठीक है। तो ये 3 BHK का लेआउट आप इस वक्त देख रहे हैं। ये एंट्री फ्लोर में गए, उसमें ड्राइंग डाइनिंग 13x24 का वहाँ भी सेम ही था, किचन थोड़ा सा 1 फुट छोटा हो गया है, उसमें पूजा रूम ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसमें आप आगे बढ़ेंगे, रूम साइज़ भी बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम ही है, इस तरह मास्टर बेडरूम का साइज़ आप देखेंगे वो भी सेम है, और जो थर्ड बेडरूम का साइज़ देखेंगे वो भी सेम है। थर्ड बेडरूम के साथ बालकनी इस तरफ मिल जाती है, जो मास्टर बेडरूम है उसके साथ बालकनी है, जो थर्ड रूम है इसके साथ बालकनी है, और आपका जो ड्राइंग रूम है उसके साथ आपको सेपरेट आपका डेक एरिया मिल जाता है। एक्चुअली जब भी आपके गेस्ट आते हैं उनके लिए जो मोस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है आपका ड्राइंग डाइनिंग और आपका ये डेक एरिया ही रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो टाइप 2 है, अगेन यहाँ पे आप देखोगे बालकनी नहीं है, उसके अंदर पूरी जॉइंट बालकनी थी टाइप 2 के अंदर, इसमें वो बालकनी नहीं है। उसके बाद आते हैं थर्ड लेआउट पे, विच इज़ लेवेंडर प्रीमियम 3 BHK विद 2 टॉयलेट वाली यूनिट है। लेआउट इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है, बट साइजेस यहाँ छोटे हो गए हैं, थोड़ा छोटा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो साइज़ है दैट इज़ 1545 स्क्वायर फीट, विच इज़ सुपर बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया कम्स 1000 स्क्वायर फीट, ओके। और इसमें आपको बालकनी जो है दैट कम्स 1993, तो अगेन यहाँ पे भी 77% के आसपास ये सुपर एरिया का मिलता है, दोनों अगर कंप्लीट कर दूँ काउंट करूँ तो, और 65% का कारपेट एरिया मिलता है। सो ये लेआउट है आपका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग रहने वाला है, वैसे तो सारे लेआउट रह सकते हैं। यहाँ एंट्री करिए आपने, फोयर आपको मिल जाता है 7.5x5 का, उसके बाद ड्राइंग डाइनिंग अप्रॉक्स 21 स्क्वायर फीट का और 12 की विड्थ रहेगी इसकी, डेप्थ रहेगी 21 फीट की। इसका डेक एरिया कम्स अराउंड 10x10 ही आप लगा के चलो। उसके बाद किचन उससे थोड़ी सी छोटी हो गई है, जहाँ 4 BHK में 14 फिट की मिल रही थी यहाँ 11 फिट की है। साथ में स्टोर रूम यहाँ भी है, उसका साइज़ भी सेम ही है।
उसके बाद रूम अगेन यहाँ पर सेम है 10x11.1 का। मास्टर बेडरूम थोड़ा छोटा हो गया बट विच इज़ गुड इस साइज़ के अकॉर्डिंगली, और अप्रोक्स 11.5x11.5 का है थर्ड रूम। सो इसके साथ बालकनी आपको यहाँ मिल जाती है, मास्टर बेडरूम के साथ बालकनी, और जो थर्ड रूम है उसके साथ बालकनी आपको यहाँ कनेक्टेड मिल जाती है, और एक डेक एरिया मिल जाता है। सो आपको 1, 2, 3 बालकनीज यहाँ मिल जाती है, बट अगेन इसमें भी एक लेआउट ऐसा है उसके अंदर ये एरिया डिडक्ट हो जाएगा, तो बालकनी एक इसका सेपरेट हो जाएगा मास्टर एरिया का, और इसका अलग हो जाएगा जो इसका सेकेंड लेआउट है, जैसे कि आपने पीछे देखा सबके साथ है ये देखिए। सो यहाँ बालकनी नहीं है, बाकी लेआउट यहाँ पर एब्सोल्युटली सिमिलर है। और इस प्रोशर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी, इस डिस्क्रिप्शन पे आप पाएंगे कि ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। सो ये इसकी लर्निंग हब इस तरह से रहने वाला है, लुक जो प्ले स्ट्रीट है वो इस तरह से रहने वाली है, हॉप है, स्किप है, जंप एंड थ्रीव है, और डोर स्टेप अपना प्ले एरिया है, वेरी गुड। उसके बाद एडवेंचर एरिया है, ठीक है, ये काफ़ी सारा यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट डेवलप करने वाले हैं। अदर एमिनिटीज़ में ये भी हैं, स्पोर्ट्स एरिया आपको मिलेगा। अच्छी बात क्या है कि स्पोर्ट्स एरिया के ऊपर की ये ग्राउंड पे ना बना के पोडियम बना के यूज़ किया गया है, सो नीचे पार्किंग हो जाएगा स्ट्रेट पे, और इधर ये पोडियम रहने वाला है। सो ये था ये पूरा ब्रोशर, साइट मैप, लेआउट आपको सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर दिखा है। सो आपको अपडेट कोई मैं अगेन जैसे हमें मिलेगी वो भी देते रहेंगे। और इस प्रॉपर्टी को विज़िट आप करना चाहते हैं तो ये आप लगा के चलिए कि आपको 19th of August से आपको इसकी विज़िट शुरू हो जाएगी, बट क्योंकि रश काफ़ी रहने वाला है, तो इनकेस आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो आप अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अर्ली और अपनी रिज़र्व करा सकते हैं विज़िट को। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।